हे एवरीवन, मैं हूँ ज्योति जसना द गर्ल। थैंक यू सो मच फॉर स्टॉपिंग बाय। तो आज के वीडियो में मैं आप सबके साथ रिव्यू शेयर करने वाली हूँ मेरे वन ऑफ द फेवरेट स्किन केयर एंड हेयर केयर ब्रांड्स के प्रोडक्ट का, और वो है ये मामा अर्थ का अल्ट्रा लाइट इंडियन सनस्क्रीन विथ कैरेट सीड एंड टर्मरिक, जिसमें है SPF 50 विथ PA++++, जो कि आपको UVA एंड UVB रेज दोनों से प्रोटेक्ट करता है। तो इसे मुझे यूज़ करते करते 8-10 डेज हो गए हैं एंड आई एम रेडी टू शेयर माई एक्सपीरियंस विद यू ऑल्सो। लेट्स गेट स्टार्टेड। और अगर आपको मेरा ये रिव्यू वीडियो कहीं पर थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगता है, यूजफुल लगता है, तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। उनके साथ ज़रूर शेयर करेगा जिनके लिए मेरा ये वीडियो काम का हो सकता है। और चैनल पे नया है तो इसी तरीके के ढेर सारे ऑनेस्ट रिव्यू वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेगा। और आप चाहे तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे, जिसकी आईडी मैं यहाँ के स्क्रीन पे दे दूंगी, वहाँ पे फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पर मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव हूँ, बहुत सारे अपडेट्स करती रहती हूँ। आप वहाँ पर मुझे मैसेज करके अपनी स्किन केयर, हेयर केयर, ब्यूटी, लाइफस्टाइल रिलेटेड क्वेरीज भी पूछ सकते हैं। सो या लेट गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। बात कर लूँ इसके प्राइस की, तो ये सनस्क्रीन आता है ₹499 का, जिसमें आपको मिल जाते हैं 80 ml ऑफ प्रोडक्ट। तो मैं कहूँगी कि अफोर्डेबल है। अगर मार्केट में अवेलेबल अदर सनस्क्रीन के प्राइसेस और क्वांटिटी पे आप जाएंगे तो ये सनस्क्रीन सही है, अफोर्डेबल है। और अगर मैं इसके अवेलेबिलिटी की बात करूँ तो ये सनस्क्रीन आपको मामाअर्थ की वेबसाइट पे, नाइका पे, अमेजोन पे, फ्लिपकार्ट चारों पे इजीली मिल जाएगी, और ये सिर्फ ऑनलाइन ही अवेलेबल है। और अगर आप मामाअर्थ की वेबसाइट से शॉप करते हो इस सनस्क्रीन को, तो आप यूज़ कर सकते हो मेरा कूपन कोड जो कि स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा होगा। उस कूपन कोड को आप मामाअर्थ की वेबसाइट पर जाकर यूज़ करिए सनस्क्रीन को परचेज करने के लिए, तो आपको मिल जाएगा 20% ऑफ। सोया अच्छी खासी डील मिल जाएगी आपको। और अगर मैं इसकी पैकेजिंग की बात कर लूँ तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि इसके साथ में एक आउटर कार्टन आता है जहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है, एंड अंदर इस तरीके की स्क्वीजी ट्यूब में है हमारा सनस्क्रीन, और ये फ्लिप ओपन कैप है जो कि काफ़ी टाइट है, क्लिक साउंड के साथ बंद होती है, और सेफ है ट्रैवल करने के लिए, स्टर्डी है, और यहाँ पे भी सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है प्रोडक्ट के बारे में। अगर मैं इंग्रेडिएंट्स की बात करूँ तो इस सनस्क्रीन के जो मेन की इंग्रेडिएंट्स है वो है कैरेट सीड ऑयल, टर्मरिक और ऑरेंज ऑयल। और जैसे कि मैंने बताया कि इसमें SPF 50 विथ PA++++, जो कि आपको UVA एंड UVB दोनों रेज से प्रोटेक्ट करता है। तो जब भी आप सनस्क्रीन लेने जाए हमेशा इसी तरीके का ब्रॉड स्पेक्ट्रम सनस्क्रीन देखें जो कि आपको UVA एंड UVB दोनों रेज से प्रोटेक्ट करता है। साथ ही साथ में इस सनस्क्रीन में नहीं है पैराबिन, नहीं है सिलिकॉन, और उसमें हार्श केमिकल्स नहीं है जो कि हमारी स्किन को नुकसान पहुँचाएंगे, और ये सनस्क्रीन क्रुएलिटी फ्री है। साथ ही साथ में सनस्क्रीन है डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड, मेड सेफ सर्टिफाइड, और यहाँ पर लिखा है कि इंडियन स्किन के लिए है और ये सारे स्किन टाइप्स को सूट करेगी। और मामाअर्थ जो ब्रांड है वो प्लास्टिक पॉजिटिव ब्रांड है। दैट मीन्स कि जितना प्लास्टिक यूज़ करते हैं अपने प्रोडक्ट्स को बनाने में, उनकी पैकेजिंग एवरीथिंग में, उससे ज़्यादा प्लास्टिक ये रिसाइकल करते हैं। सो दैट इज़ अ वेरी वेरी ग्रेट इनिशिएटिव। सो दिखा देती हूँ आपको मैं इसका डेमो। तो फिलहाल मेरे फेस पर कुछ भी नहीं है एक्सेप्ट थोड़ी सी लिपस्टिक, नो मॉइस्चराइजर, नथिंग। सो आई एम गोना टेक दिस सनस्क्रीन, एंड ये जो दो ड्रॉप्स मैंने ली हैं इतनी ही सनस्क्रीन आपको लेनी है, और ये आपके पूरे फेस और नेक को बहुत ही अच्छे से कवर कर लेगा। अभी ये आपको दिखने में आपको जितना ही थिक लग रहा है, इसका टेक्सचर उतना ही लाइट वेट है, कह सकते हैं कि जो इसका नाम है अल्ट्रा लाइट बिल्कुल एप्ट है। तो इसका टेक्सचर बहुत ही लाइट है, तो सिर्फ इतनी सी ही सनस्क्रीन लेनी है और पूरे फेस और नेक को ये बहुत अच्छे से कवर कर लेगा। अपने नेक को आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना है। और अगर मैं इसके स्मेल की बात कर लूँ तो इसकी स्मेल बिल्कुल ना के बराबर है, बहुत ही माइल्ड सी स्मेल है जो आपको पता भी नहीं चलेगी। एज यू ऑल कैन सी कि सनस्क्रीन ने मेरे फेस पे कोई भी वाइट कास्ट नहीं छोड़ा है। फेस पे बिल्कुल भी ऐसा वाइट वाइट सा नहीं लग रहा है जो बहुत सारी सनस्क्रीन में होता है, जिनके स्किन टोन थोड़ी सी डार्क होती है उन्हें ये प्रॉब्लम होती है। तो इस सनस्क्रीन के साथ ऐसा कुछ भी नहीं है, ये स्किन पे कोई सी भी वाइट कास्ट नहीं छोड़ता है। साथ ही साथ में आपको अप्लाई करने के बाद सिर्फ इसको 2 मिनट देना है, उसके बाद ही आपके फेस में ऐसा सेट हो जाएगा कि आपको फील नहीं होगा कि आपने ऊपर से कोई लेयर लगाई है, कुछ सनस्क्रीन लगाया है। आपकी स्किन आपको मॉइस्चराइज लगेगी, बट ऐसी नहीं लगेगी कि ऑयली ऑयली सी है, या फिर ये आपके फेस को ड्राई भी नहीं करेगा। तो ये ना ही फेस को ऑयली करता है और ना ही फेस को ड्राई करता है। जो इसका काम है एक सनस्क्रीन का, ये वही करता है, अच्छे तरीके से फेस में अब्सॉर्ब हो जाता है। एंड 2-3 मिनट के बाद आपको फेस पे फील भी नहीं होगा कि आपने कुछ ऐसा सनस्क्रीन या अलग से अपने मॉइस्चराइजर के ऊपर कोई लेयर लगाई हुई है।
तो इसका टेक्सचर वगैरह, इसका फील वगैरह मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। एंड गुड थिंग ये है कि आप इसको मेकअप के अंडर भी बहुत ही ईजिली लगा सकते हो और उसके ऊपर मेकअप कर सकते हो। ये आपके मेकअप को मेल्ट वगैरह कुछ भी नहीं करेगा, फेस को ऑयली नहीं दिखाएगा। बात कर लो अगर मैं अपने एक्सपीरियंस की, तो इसको मैं लास्ट 8 to 10 days से यूज़ कर रही हूँ और सुबह मैं अपने मॉइस्चराइजर के बाद इसको अप्लाई करती हूँ। इसको अप्लाई करने के बाद 1 से 2 मिनट लगता है, उसके बाद ही आपके स्किन में ऐसा अब्जॉर्ब हो जाएगा कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपने अपने मॉइस्चराइजर के ऊपर कोई एक्स्ट्रा लेयर लगाई हुई है। सो दैट इज़ अ गुड थिंग। मेरी स्किन जो है वो ऑयली है, बट इसको लगाने के बाद मुझे मेरी स्किन बिल्कुल भी ऑयली, ग्रीजी, चिपचिपी सी नहीं लगती है। बहुत सारे ऐसे सनस्क्रीन होते हैं जिनको लगाने में स्किन जो है स्टिकी लगती है, बट इसके साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि एक्सट्रीमली लाइट वेट है, won't feel a thing। और मैंने इसको ड्राई स्किन के ऊपर भी यूज़ करके देखा है, जिनकी स्किन ड्राई है उसके ऊपर भी यूज़ करके देखा है, और उन्हें भी इसको लगाने के बाद स्किन बिल्कुल भी ड्राई या पैची ऐसी बिल्कुल भी फील नहीं हुई। तो इट इज़ सेफ टू से कि जो सनस्क्रीन है ये लाइक ऑल स्किन टाइप्स वाले लगा सकते हैं। मेरी स्किन जो है वो सेंसिटिव भी है और साथ ही साथ मैं एक्ने पिंपल प्रोन भी है, बट इसको लगाने के बाद मेरी स्किन पे कोई भी साइड इफेक्ट्स नहीं हुए हैं, ना ही मेरा एक्ने पिंपल कुछ ज़्यादा निकला या इसकी ऐसा नहीं हुआ कि इसकी वजह से मुझे एक्ने पिंपल्स होने लगे। सो दैट इज़ ऑल्सो अ गुड थिंग। और 6 hours तक ये आपको प्रोटेक्शन देगा सन रेज से, और 6 hours के बाद आपको इसको रीअप्लाई करना होगा। तो मुझे लगता है कि 6 hours जो है वो अच्छा टाइम फ्रेम है। उसके बाद ऑब्वियसली अगर आप ज़्यादा बहुत लंबे टाइम तक सन में हो तो आपको सनस्क्रीन रीअप्लाई करनी भी पड़ती है, कोई सी भी सनस्क्रीन हो, बट 6 hours काफ़ी लंबा टाइम होता है। आई डोंट थिंक कि 6-7 hours के ऊपर कोई भी बहुत ज़्यादा इस समय सन में रहता भी होगा। सो फाइनली मैं यही कहना चाहती हूँ कि इट इज़ वन ऑफ दी बेस्ट सनस्क्रीन्स अवेलेबल आउट देयर, अवेलेबल इन द मार्केट। और इसका बोनस पॉइंट ये है कि इसमें पैराबेंस नहीं है और सिलिकॉन्स नहीं है। बहुत सारे लोगों की स्किन जिनकी एक्ने पिंपल प्रोन होती है, मेरी भी है, उनको सिलिकॉन्स से एक्ने पिंपल्स निकलने की प्रॉब्लम होती है, तो इसमें सिलिकॉन्स नहीं है, तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी चीज़ है। एंड मेरी स्किन पे ऑक्सीडाइज वगैरह नहीं हुआ, तो स्किन काली नहीं हुई। बहुत सारे लोगों के साथ होता है कि सनस्क्रीन लगाने के बाद सनस्क्रीन ऑक्सीडाइज हो जाता है, स्किन काली लगने लगती है, बट मेरी स्किन पे इसने ऐसा कोई भी इफेक्ट नहीं दिया। तो और जैसे कि मैंने बताया कि सारी स्किन टाइप्स को सूट करेगा, तो अगर आप मुझसे पूछोगे कि मैं इसे रीपर्चेस करूँगी, यानी तो मैं इसे बिल्कुल रीपर्चेस करूँगी, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा इट इज़ वन ऑफ दी बेस्ट सनस्क्रीन्स अवेलेबल आउट देयर। तो मेरी तरफ से इस सनस्क्रीन को बिग थम्स अप। सो यार ये था मेरा रिव्यू मामा अर्थ के अल्ट्रा लाइट इंडियन सनस्क्रीन के लिए। आपको मेरा रिव्यू अगर यूजफुल लगा है, अच्छा लगा है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, शेयर ज़रूर करिए, और चैनल पर है तो सब्सक्राइब करिए। और हाँ, जैसे कि मैंने पहले कहा कि अगर आप ये सनस्क्रीन मामा अर्थ की वेबसाइट से लेने जा रहे हैं तो इसको मेरा कूपन कोड यूज़ करके खरीदेगा, और सारे के सारे लिंक्स जो है परचेज के और कूपन कोड में सब कुछ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक कर लीजिएगा। तो यार अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून, टेक केयर एंड चेयर।